Assalamu alaikum. Welcome you all on Genex Pharma page. And जैसे कि हमने past में भी videos बनाते रहे हैं इस हवाले से different topics के ऊपर. हमारे पास कुछ जो है वो पीछे से queries आती रही हैं कि जी pregnancy को define करें, trimesters में क्या antenatal care लेनी चाहिए और क्या मतलब different gynecological infections जो हैं वो होते हैं इन trimesters में. इसी हवाले से इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज हमने जो है इनवाइट किया है हमारे प्रोग्राम में प्रोफेसर डॉक्टर जहारा. एंड शी इज एन एमबीबीएस एमसीपीएस एचसीपीएस कंसल्टेंट ऑब्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट. एंड शी इज हैविंग मोर देन 23 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन पोस्ट फेलोशिप एंड टीचिंग एक्सपीरियंस. करेंटली शी इज प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट Obs and Gyne, Dow International Medical College, and Chairperson, Faculty of Obs and Gyne, Dow University of Health Sciences. She currently, apart from it, she practices her evening practices in Mamji. So, welcome you on board on behalf of Genex Pharma, Madam, and thank you so much for your time. Apart from it, एक बड़ी खुशी और फख्र की बात है हम सब के लिए कि Professor Jahara is the first lady in Pakistan. First consultant of the gynae in Pakistan that she has performed recently on Saturday morning. She has performed cesarean section of COVID-19 positive patient, and it went successfully for both mother and baby, and they are all fine. So, इसको viral infections को discuss करने से पहले मैं चाहूँगा कि Professor Jahara जो है वो हमें बताएं कि जी इन्होंने क्या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए प्रोटोकॉल्स तय किए थे एंड व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स फॉर कंट्रोलिंग लेबर वुमेन एंड व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स फॉर अ बेबी. सो मैडम ओवर टू यू. और बहुत शुक्रिया अगेन मैं करूंगा आपको Genex Pharma की तरफ से कि आपने जो है अपना एकदम हेक्टिक शेड्यूल में से हमें टाइम दिया. और मुबारकबाद भी आपको पेश करूंगा Genex Pharma की जानिब से कि आपने जो है इतनी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी परफॉर्म करी है माशाल्लाह से. तो क्या कहना चाहेंगी मैडम इस बारे में. ओवर टू यू. थैंक यू. शुक्रिया डॉक्टर जुबैर फॉर इनवाइटिंग मी एंड शेयरिंग माय एक्सपीरियंस विद द कोविड-19 पॉजिटिव प्रेगनेंट पेशेंट. मैं ओझा कैंपस में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ और ओझा कैंपस कराची का सबसे बड़ा सेंटर है जहाँ पे कोरोना स्क्रीनिंग आइसोलेशन वार्ड कोरोना केयर आईसीयूज और सबसे ज़्यादा पेशेंट्स देखे जाते हैं. जब से ये पैंडेमिक पाकिस्तान में यानी इसका फ्लेयर अप स्टार्ट हुआ तो उस वक्त ही हमारा जो इन्फेक्शियस डिजीज कंट्रोल आईडी डिपार्टमेंट है हमारा तो उसने अपने प्रोटोकॉल सेट इन करना स्टार्ट हो गए. इनिशियली हमारा एक 20 बेडेड आइसोलेशन वार्ड था फिर वो इंक्रीज होके 40 बेडेड हुआ और अब हमारा 80 बेडेड आइसोलेशन वार्ड है. इसके साथ हमारा एक कोरोना आईसीयू है जिसमें फिल वक्त 12 वेंटिलेटर्स के साथ हमारा आईसीयू है जो ऑलमोस्ट कंप्लीट फुल जाता है. चूंकि हमारे पास इतना लोड है कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स का तो इसके साथ हमें कोविड-19 पॉजिटिव प्रेगनेंसीज में मिलना शुरू हो गई. अभी तक हमने कोई 5 पेशेंट्स बुक किए हुए हैं जो हुआ कोविड-19 पॉजिटिव. सैटरडे को हमारे ये फर्स्ट पेशेंट थी कि जिसको हमें इलेक्टिव सिजेरियन के लिए ऑपरेट करना पड़ा के साथ ऑपरेट करना पड़ा. अभी तक जो बाकी जो पेशेंट्स हैं फ्यू ऑफ देम आर इन देयर अर्ली वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी कुछ मिड ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में और कुछ अर्ली थर्ड ट्रिमेस्टर में हैं. तो हमारे इन्फेक्शियस डिजीज कंट्रोल डिपार्टमेंट का जो प्रोटोकॉल था कि हम चाहते हैं कि प्रेगनेंसी उस लेवल तक चली जाए जब पेशेंट्स कोविड-19 से रिस्पांस दे के ट्रीट हो जाएं और उनमें आईजीजी एंटीबॉडीज आ जाएं और वो ट्रीट हो जाएं. लेकिन ये जो पेशेंट था ये 38 वीक्स प्रेगनेंसी तक पहुंच गया था और इसको जब ये 37 वीक्स प्रेगनेंसी पे था तो उस वक्त हमने इसको डायग्नोज किया था बिकॉज ऑफ द सिम्टम्स. सिम्टम्स बड़े टिपिकल थे सिम्टम्स ऑफ कॉफ ड्राई कॉफ और मायाल्जियाज फीवर विद चिल्स और द टिपिकल सिम्टम विद हर वाज देयर वाज लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल जिससे हम जरा एकदम से हमें सस्पिशियस हुआ कि दिस इज कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट. तो खैर हमने उस पेशेंट को स्क्रीनिंग के लिए भेजा.
जो हमारी लैब में डॉक्टर सईद खान है, द पैथोलॉजिस्ट हु इज लुकिंग आफ्टर द कोविड 19 स्क्रीनिंग प्रोसेस. तो फर्स्ट पीसीआर, एक पीसीआर किया, दैट पीसीआर नेसोफैरिंजियल स्वाब लिया एंड दैट टर्नड आउट टू बी पॉजिटिव. After 3 days, he repeated the swab and again the swab turned out to be positive. So as per the protocol, अगर हमारे पास एक COVID-19 positive patient आता है तो हम contact screening करते हैं, पूरी family की contact screening की. तो patients जरा समझदार भी थे, उसके family members जब उसको symptoms होने से पहले, जब उसको early symptoms start हुए तो उसके जो पहले दो बच्चे थे उन्हें उसने अपनी मदर के घर भिजवा दिया और वो खुद सेल्फ क्वारंटीन हो गए, जैसा कि हम लोग पेशेंट्स को गाइड करते हैं. The husband and the wife were together, but the husband turned out to be PCR negative. But we are constantly screening him because he may turn out to be positive any time. कि कब वो infect हुआ. The husband right now is negative, लेकिन उसको हमने patient को self quarantine कर दिया था. A day before जिस दिन हम 38 plus हो गई थी patient, तो अब हम उसको elective cesarean section करना था. तो हमने उसको एडमिशन एडवाइस किया एंड द पेशेंट वाज डायरेक्टली एडमिटेड इन द हाई डिपेंडेंसी यूनिट, कोरोना हाई डिपेंडेंसी यूनिट. दिस यूनिट एस्टैब्लिश्ड इन द एमडीआर सेंटर ऑफ द ओझा इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीजेस. 40 बेडेड हाई डिपेंडेंसी यूनिट है जहाँ पे हम हाई रिस्क पेशेंट्स को एडमिट करते हैं, और जो वो भी सारे सर्जिकल पेशेंट्स जिनको सर्जरी की जरूरत है. सो द पेशेंट वाज एडमिटेड इन एचडीयू ऑफ द कोरोना केयर यूनिट. उसके साथ फिर हमने अपने लोकल प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस सेट की हुई हैं कि अगर पेशेंट्स आएंगे जो कोविड 19 पॉजिटिव है तो उनको कहाँ रखा जाएगा, उनका ट्रांसफर कैसा होगा टू द ऑपरेशन थिएटर और टू लेबर वार्ड. वी हैव डेजिग्नेटेड अ स्पेशल लेबर सूट फॉर कोविड 19 पॉजिटिव पेशेंट्स. सिमिलरली इन दैट लेबर सूट देयर इज अ स्मॉल डेजिग्नेटेड एरिया फॉर न्यूनेटल केयर फैसिलिटीज ऑल्सो. सिमिलरली ये पेशेंट को हमने वहाँ से डायरेक्ट, अच्छा इसी तरह हमारा जो गायनी ऑपरेशन थिएटर है, वी हैव फोर ऑपरेटिंग ओआरस इन अवर गायनी ऑपरेशन थिएटर. तो सो वी हैव डेजिग्नेटेड वन ऑपरेटिंग रूम स्पेसिफिकली फॉर कोविड 19 पॉजिटिव केसेस, और दैट ओआर इज स्लाइटली अवे एंड सेपरेट फ्रॉम द अदर इलेक्टिव ऑपरेशन थिएटर रूम्स. ये पेशेंट एचडीयू में एडमिट हुआ और उस दिन मॉर्निंग में ही जो द होल टीम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्जरी ऑफ दैट पेशेंट वॉज कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड अ डे बिफोर. न्यूनेटोलॉजिस्ट से भी कम्प्लीट कोऑर्डिनेशन था, डॉक्टर सईद खान से भी हमारा कोऑर्डिनेशन था, क्योंकि हमें वर्टिकल ट्रांसमिशन को एक्सक्लूड करना था कि बेबी में वर्टिकल ट्रांसमिशन हुआ या नहीं हुआ. बिसाइड्स जो स्टाफ जो कोविड 19 प्रेगनेंसी इन न्यूनेटल ऑपरेशन थिएटर और नर्सिंग स्टाफ था उसकी पूरी ट्रेनिंग करनी थी एंड ट्रेनिंग रिगार्डिंग द प्रॉपर डोनिंग एंड डूफिंग ऑफ द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. सो द इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स नाजिश है, उसने हमारी एक दिन पहले सब पूरे स्टाफ को ट्रेनिंग दी थी रिगार्डिंग द डोनिंग एंड डूफिंग ऑफ द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. The manager of the OT manager has already ordered 7 complete personal protective kits. 4-5 for the staff inside the theater and 2 for the porter and the sweeper, because porters and sweepers are equally infected. So we provide complete protective equipment for the person, all the personnel who are handling the COVID-19 positive patient. The patient was immediately shifted directly from the HDU. अच्छा हमारा शिफ्टिंग का प्रोसेस भी बहुत क्लियर होता है, क्योंकि हम बिल्कुल एक बिगल की तरह बजाते हुए आते हैं कि द कोविड 19 पॉजिटिव पेशेंट इज कमिंग फ्रॉम द एचडीयू टू द डेजिग्नेटेड एरिया एंड वी हैव सेपरेट लिफ्ट्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ दीज कोविड 19 पॉजिटिव पेशेंट्स फ्रॉम द एचडीयू ओवर टू दैट एरिया. और बीच में जो रोड्स हैं उसको भी पहले से लाइक खाली करा देते हैं, यानी एक बिगल बचाया जाता है कि एवरीथिंग शुड बी क्लियर बिकॉज अ कोविड 19 पॉजिटिव पेशेंट इज शिफ्टेड फ्रॉम वन फैसिलिटी टू द अदर फैसिलिटी जहां पे उसका प्रॉपर काम होने. सो द पेशेंट वाज शिफ्टेड डायरेक्टली टू द ओआर व्हिच इज डेजिग्नेटेड फॉर कोविड 19 सर्जरीज एंड बिफोर दैट proper doning of the with personal protective equipment, which included the Tyvek suits, the face shields, the eye protection goggles, the N95 masks, and the foot protection. This was completely doning ho chuki thi sara staff ki. Patient ko ki oxygen saturation maintained thi and she had
शी हैड जस्ट अ मॉडरेट डिजीज लंग इन्फिल्ट्रेट्स थे उसको लेकिन शी वाज मेंटेनिंग हर ऑक्सीजन सैचुरेशन so she didn't require any assisted ventilation and so the cesarean section was performed under spinal anesthesia spinal anesthesia was given and a routine cesarean section was performed and the protocol the full protocol was followed for the post op care mein amoxiclav diya gaya analgesics diye gaye and 12 hours after the surgery the patient has been started on with anticoagulants kyunki thromboprophylaxis bahut जरूरी है इन पेशेंट्स विद कोविड-19 पेशेंट्स इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी द पेशेंट वाज केप्ट राइट इन द ओआर एंड नॉट शिफ्टेड टू द रिकवरी क्योंकि रिकवरी इन्फेक्ट होने का खतरा होता है वहां पे दूसरा पर्सनल आते हैं शी वाज केप्ट इन द ओआर फॉर नियरली हाफ एन आवर टू ऑब्जर्व फॉर पोस्टपार्टम हेमरेज एंड देन राइट फ्रॉम द ओआर शी वाज शिफ्टेड अगेन इन अ सिमिलर प्रोटोकॉल मैनर टू द हाई डिपेंडेंसी यूनिट ऑफ कोविड-19 आज सेकेंड पोस्ट ऑपरेटिव डे है पेशेंट का द पेशेंट वेंट वेरी वेल एंड शी डिडंट डेवलप एनी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड शी वाज मेंटेन ऑन रूम ऑक्सीजन एंड शी इज फाइन राइट नाउ अच्छा रिगार्डिंग द बेबी वाज इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी वाज कैरिड आउट और बाहर हमने पूरा एनआईसीयू का रिसासिटेशन यूनिट लगाया हुआ था जहाँ पे विद कंप्लीट पीपी द एनआईसीयू स्टाफ took the charge of the baby. The professor of pediatrics later examined the baby. अच्छा बच्चे के लिए हमने एक incubator with a facility for ventilator. हमने अपना जो हमारा COVID-19 labor room area है वहीं हमने रखा हुआ है. The patient was shifted over. The baby was shifted over there and cord blood was taken for immunoglobulin for IgG and IgM levels of for COVID-19. To see for any vertical transmission. And similarly, at the same time, an oral nasopharyngeal and an oral swab was taken from the baby. Nasopharyngeal बहुत मुश्किल था लेना, लेकिन with a small Q-tip, क्योंकि छोटा सा swab है, we took the swab for COVID-19 PCR. शाम तक हमें प्रोफेसर सईद खान ने रिपोर्ट दे दी थी कि IgM and IgG levels are negative, and PCR for nasopharyngeal and oral swab both are also negative. So we didn't reported any vertical transmission from the mother to the baby also. Bachcha bahut acha raha and the baby is still in NICU, admitted in designated NICU and is doing well. The baby was born with good outcome. Now we are planning for a repeat PCR on with nasopharyngeal swab on after 72 hours on day 3 and we want to repeat IgM levels on day 3 also in order to check if confirm if vertical transmission hai ki nahi. The mother अच्छा stitches हमने उसको subcuticular vital rapid लगा दिया था ताकि मज़ीद handling ना हो और मज़ीद staff को interaction ना हो. One of my doctors who is being posted in ICU in isolation ward क्योंकि हमें बहुत shortage है doctors की क्योंकि हमारे जितने doctors isolation ward में duty करते हैं तो जब उनकी 15 days की duty खत्म हो जाती है तो फिर हम उनको 15 days quarantine करते हैं for seeing for any signs symptoms कि वो develop तो नहीं करें. तो हमारे पास हमारे गायनी के पीजीआर हैं वो भी आइसोलेशन में ड्यूटी करते हैं तो हर वक्त किसी एक स्पेशलिटी का पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट मौजूद होता है हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स एंड आइसोलेशन एंड कोरोना आईसीयू में जो हर स्पेशलिटी के पेशेंट्स को अपनी डेजिग्नेटेड स्पेशलिटी के पेशेंट्स को लुक आफ्टर कर लेता है. ये हमने ऐसा प्रोटोकॉल अपने डिपार्टमेंट्स के बनाए हुए हैं. सो द पेशेंट वॉज वेरी मच लुक आफ्टर बाय द पीजीआर इन द आइसोलेशन वार्ड एंड शी इज डूइंग वेल अप टिल राइट. अच्छा मैडम इसके अलावा कुछ मेरे सवाल हैं क्योंकि डेफिनेटली यू हैव नॉट बीन रिपोर्टेड कि वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं हो रही है. ये जो पेशेंट आपके पास आया ये डेली आ रहा था ये इसने पूरा अपना मतलब जो चेकअप कराया है वो एंटीनेटल ओपीडी यही परफॉर्म कर रही थी. शी वाज अ बुक पेशेंट लेकिन जो 37 वीक्स पे जो उसका जो विजिट था उस वक्त शी केम एंड रिपोर्टेड विद सिम्टम्स. अच्छा और उस दिन सिम्टम्स थे लेकिन हमारे रूटीन है कि हमारी जो ओपीडी है जब ये आउटब्रेक स्टार्ट हुआ तो ऑप्स एंड गायनी एंड पीडियाट्रिक्स ओपीडी वाज शिफ्टेड टू अनदर बिल्डिंग. हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ऑलरेडी ऑप्स एंड कंसिडरिंग ऑप्स एंड गायनी एंड पीडियाट्रिक्स एज अ हाई रिस्क पॉपुलेशन तो हमारी ओपीडी जनरल ओपीडी से दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई थी. That building was bigger, the area is bigger, और हमने वहाँ पे जो patient का जो seating arrangement रखा है,
वो एक सीट पे एक पेशेंट है, फिर दो सीट का गैप है, फिर थर्ड सीट पे बैठ फोर्थ सीट पे बैठता है, तो सोशल डिस्टेंसिंग साथ बैठते हैं. एवरी पेशेंट हैज टू कम थ्रू अ थर्मल चेक. थर्मल चेक होता है और एक कोरोना स्क्रीनिंग. हमारे पास एक प्रोफॉर्मा है जिसमें कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ फीवर, कॉफ, ये सब लिया जाता है. तो ये स्क्रीनिंग काउंटर पे इस पेशेंट को डिटेक्ट हो गया था कि शी हैज सम प्रॉब्लम, क्योंकि स्क्रीनिंग काउंटर पे पता था, लेकिन थर्मल चेक पे शी वॉज ए फेब्राइल एट दैट टाइम. तो जब वो डिटेक्ट हुआ था तो शी वॉज दिस पेशेंट वॉज शी सैट सेपरेटली. और ओपीडी में हम सारे जितने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, वो इवन द नर्सेज एंड द पोर्टर्स, वी ऑल वेयर मास्क, ग्लव्स एंड अवर प्रोटेक्टिव गाउन्स पहनते हैं हम ओपीडी में, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स दे आर ऑलवेज देयर. और मेरा भी हर एक को यही मैसेज आता है कि देखें, डोंट कंसिडर कि अगर किसी पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है तो वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता है. एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स आर ऑलवेज देयर और ट्रांसमिशन होता है, तो कंसिडर एवरी पेशेंट एज हाई सस्पेक्ट फॉर COVID-19 एंड वेयर योर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड गियर वेरी प्रॉपरली व्हेन एवर यू आर डीलिंग विद इन पब्लिक. तो ये पेशेंट डिटेक्ट हुआ था, इसको सेपरेट बिठाया, लेकिन फिर इसका एग्जामिनेशन भी सेपरेट रूम में किया गया था और वहां से फिर हमने इसको इमिजिएटली स्क्रीनिंग के लिए भेज दिया था. तो एक अगर आपका एक प्रॉपर स्क्रीनिंग सिस्टम हो तो आप कर सकते हैं. ऑल्दो एक बिजी ओपीडी में मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर मल्टीपल लेवल्स पे चेक्स होना तो आप कहीं ना कहीं किसी लेवल पे डिटेक्ट कर लेते हैं. सही, बिल्कुल सही. अच्छा, अभी जो पेशेंट की कंडीशन है इस वक्त, जो प्रोफेसर सईद हैं, जो न्यूनेट्स या पीडियाट्रिशियन के प्रोफेसर हैं, वो जो देख रहे हैं इस वक्त, क्या वो रिकमेंड करेंगे उसको ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से, या बेबी को हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं इस कंडीशन में? और आया कि क्या पेशेंट जो है वो जब 37 वीक में आपके पास आई थी और जब 38 वीक उसका लगा, तो उसको लेबर थे या नहीं लेबर थे, या आप लोगों ने खुद डिसाइड किया कि इसका ऑपरेशन करना चाहिए? नहीं, एक्चुअली पेशेंट को प्रीवियस टू सिजेरियंस थे, तो हमें तो उसका वैसे भी इलेक्टिव सिजेरियन करना था. हमारे आईटी कंसल्टेंट ने कहा कि बेटर कि आप इसका ये जो 15-20 डेज का पीरियड पास आउट हो जाए, लेकिन हमने तकरीबन 10 दिन निकाले 37 वीक से. लेकिन जब वो 38 वीक्स प्लस हो गई तो उस वक्त हमें डर लगा कि अगर ये आधी रात को किसी भी वक्त स्कार टेंडनेस से लेबर पेन्स में आ जाएगी, तो उस वक्त हमें इतना प्रोटोकॉल मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, और फिर उस वक्त चांसेस थे कि ये बहुत इन्फेक्ट हो जाता. तो इसीलिए हमने 38 वीक्स प्लस पे उसका फिर इलेक्टिव सर्जरी प्लान किया. तो ऐसे कोई बेबी के अंदर कोई इस तरह की कंजनेटल एनोमलीज और किसी तरह की जो है वो लो बर्थ वेट बेबीज, मतलब ऐसी कुछ चीज रिपोर्ट नहीं हुई? एक्चुअली शी कॉन्टैक्टेड दिस इन्फेक्शन प्रोबेबली एट अराउंड 34-35 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जो हमें शक है कि उस वक्त इसने कॉन्टैक्ट किया था. और उस वक्त तक तो the most common problems which are notified with COVID-19 infections preterm labor hai, aur agar early pregnancy hai to miscarriages ka risk rehta hai. So preterm labor ka waqt to guzar hi chuka tha. The baby was a healthy baby and the birth weight of the baby was 3.1 kilograms aur with very good apgar. The lyca was clear, there was no meconium, koi fetal distress ke features nahi the. Aur regarding the breastfeeding, we are ourselves not sure ke direct personal hand contact or horizontal transmission बाद में ना हो जाए. तो अभी तो हमने बेबी को मदर से अलग रखा है और अभी तो टॉप फीडिंग दे रहे हैं, लेकिन as the disease evolves और आगे पता चलेगा तो अंदाजा हो जाएगा कि horizontal transmission का रिस्क कैसा है, क्योंकि अभी तो बहुत ही कम केसेस रिपोर्टेड हुए. चाइना वुहान की जो स्टडी हमने पढ़ी थी उसमें, क्योंकि हम did a lot of literature search when we were planning for this delivery, तो उसमें भी उन्होंने कुछ patients में vertical transmission report किया है, and they were also not so decisive कि whether the breastfeeding should be continued or not. जो हमारा regional protocol है कि जब दो PCRs consecutive negative होते हैं, तब हम patients को recovered कहते हैं, और फिर then we are planning to give the baby over to the mother. We are not sure कि हम बाद में क्या evolve होगा. Probably as with other viral infections, maybe the baby may be immunized, लेकिन अभी तो बच्चे में ना IgM levels आए ना IgG levels आए हैं. हो सकता है कि अगर early pregnancy में mother infect हुई हो तो baby में अगर IgG antibody levels मौजूद हैं, तो the baby can be given to the mother, as the baby already has immunoglobulins and will not be infected. But we are still unsure what will evolve later.
जैसे कि इस वक्त माशाल्लाह से बेबी एंड मदर बोथ आर फाइन, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज इंटरनेशनल डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल कॉलेज वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान जो ह्यूमन हेल्दी ह्यूमन एंटीबॉडी से उसने जो रिकवर्ड हुए हुए थे कोरोना वायरस से उसमें उनकी जो है वो इम्यूनाइजेशन बनवाई थी. तो क्या इस वक्त उस इम्यूनाइजेशन के ऊपर जो है वो इस सिजेरियन सेक्शन के पेशेंट को रखा जा रहा है, आया कि ये उसी चीज से ट्रीट हो रही है या इसको जनरली ट्रीट किया जा रहा है? देखिए जैसा मैंने आपसे कहा ये पेशेंट एक मॉडरेट डिजीज के साथ थी, इसको सीवियर डिजीज नहीं थी. ऑल्दो शी हैड लंग ओपेसिटीज एंड इन्फिल्ट्रेट्स लेकिन शी वाज मेंटेनिंग ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑन रूम एयर आल्सो, शी नेवर इवन रिक्वायर्ड हाई फ्लो ऑक्सीजन की भी जरूरत इसको नहीं पड़ी. तो शी इज द प्लान इज शी विल बी विद अस फॉर नेक्स्ट 6 वीक्स इन आइसोलेशन वार्ड एंड मॉनिटर. और जब ये हील हो जाएगी तो हमने इस पेशेंट से रिक्वेस्ट किया कि अपना 100 ml प्लाज्मा दो फॉर दीज IgG एंटीबॉडीज बिकॉज वी आर नाउ कलेक्टिंग प्लाज्मा फ्रॉम हील पेशेंट्स, उनको उसको पूल कर रहे हैं ताकि पूल बन जाए. तो फॉर दोज पेशेंट्स हु हैव सीवियर डिजीज एंड हु रिक्वायर्ड असिस्टेड वेंटिलेशन या जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन देना पड़ रहा है तो हम उनमें ये एंटीबॉडी रिच प्लाज्मा यूज करें. अच्छा, आपने जैसे बताया कि इसके अलावा और भी कोई 4-5 पेशेंट्स हैं जिनको हमने जो है वो मतलब कंसीडरेशन में रखा हुआ है, इसके अलावा कोई और भी रिपोर्ट हुए केसेस प्रेगनेंसी? जी हाँ, हमारे पास अभी 5 बुक पेशेंट्स हैं हु हैड हुआ COVID-19 पॉजिटिव इन वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी. 2 ऑफ देम आर इन अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, एक 14 वीक्स है और एक 8 वीक्स है. अब 8 वीक्स प्रेगनेंसी के पेशेंट पे हमें देखना है कि मिसकैरेज रिस्क कैसा है. एक 14 वीक्स प्रेग्नेंट है, एक 30 वीक्स प्रेग्नेंट है और एक 32 वीक्स प्रेग्नेंट है. तो 30 और 32 वीक्स प्रेग्नेंट है, अब उनमें देखना है कि कितना प्री टर्म लेबर का क्या फीचर है और उनमें ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होता है कि नहीं होता. सो वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग दीज पेशेंट्स. दीज पेशेंट्स आर एट होम एंड दे आर नॉट कॉल्ड सो फ्रीक्वेंटली, लेकिन जब हमें इनका अल्ट्रासाउंड करना है या जब हमें इनको एंटीनेटल विजिट्स पे कॉल करना है तो हम उनका प्लान्ड एंटीनेटल विजिट हम शेड्यूल कर देते हैं ताकि हम उनको प्रॉपर तरीके से देख सकें. So we are following these pregnancies and we'll report once these are delivered. अच्छा मैडम, डेफिनेटली ज्यादातर लोग ये सुनना चाहेंगे कि जो 5 या 6 पेशेंट अभी तक रिपोर्ट हुए हैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में, ये मिडिल क्लास, लो क्लास या हायर क्लास, इसमें से मेनली कौन सी जो है पेशेंट, जो 5 से 6 लोग हैं, क्या है कि ये लोग अक्सर दिमाग बना के बैठ जाते हैं कि नहीं ये तो लोअर क्लास तबका है जो वायरल इन्फेक्शन की तरफ जो है वो ट्रीट नहीं करता, रिस्पॉन्स नहीं करता सही तरीके से, तो ये अफेक्टेड हुआ है, तो ये क्या मतलब इसको अगर हम कैटेगराइज करें या आपको इस बारे में थोड़ा सा पता हो तो कौन सी क्लास सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रही है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और हायर क्लास? आई वुड से COVID-19 कोई क्लास नहीं देखता, ना वो कास्ट देखता है, ना क्रीड देखता है, ना क्लास देखता है. इट कैन अफेक्ट एनीवन. सो वी हैव पेशेंट्स फ्रॉम एवरी क्लास एंड एवरी कास्ट. इट डजंट सीज एनी कास्ट इन ट्रीट. बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम तो केयर कर रहे हैं, हमें तो नहीं हो सकता है, ये तो लोअर तबके के जो लोग होते हैं डेफिनेटली जो केयर नहीं कर सकते अपने, केयर नहीं करते अपने आप को, तो वो इस चीज के शिकार हो रहे हैं. तो बस मैं आपसे यही एक चीज मैसेज करवाना चाह रहा था. अच्छा, इसी टॉपिक के हवाले से कोई लास्ट में अगर मैसेज देना चाहेंगी कोविड सीजेरियन प्रेगनेंसी के हवाले से, कि लास्ट में अगर मुफाद आमा के लिए कोई मैसेज हो, जनरल पब्लिक के लिए कोई मैसेज हो आपकी तरफ? जनरल पब्लिक के लिए बस यही मैसेज है कि प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें. और लॉकडाउन गवर्नमेंट ने खोल दिया तो उसका ये मकसद नहीं है कि आप सब कुछ भूल जाएं और कहें कि नाउ एवरीथिंग इज नॉर्मल. एहतियात जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग और अपना पर्सनल प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है, एंड हैंड हाइजीन, पर्सनल प्रोटेक्शन, हैंड हाइजीन एंड सोशल डिस्टेंसिंग, बस इतना. एंड रेगुलर एंटीनेटल ओपीडी चेकअप इज आल्सो. यस, रेगुलर एंटीनेटल एंड रेगुलर कॉन्टैक्ट विद योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल. अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से रेगुलर कॉन्टैक्ट रहना जरूरी है. और हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए भी मैसेज है कि जस्ट डोंट डिसओन सच अ पेशेंट इफ शी टर्न्ड आउट टू बी COVID-19 पॉजिटिव. इफ यू फील योरसेल्फ कि आपके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है कि आप उसको मैनेज कर सकते हैं तो प्लीज कॉन्टैक्ट विद दोज पीपल हु आर मैनेजिंग सच पेशेंट्स या वो फैसिलिटीज जहाँ पे सारा जो फुली इक्विप्ड है इन मैनेजिंग सच केसेस, आप प्लीज उनको प्रॉपर रेफर करें. थैंक यू. अच्छा जी, थैंक यू सो मच मैडम कि आपने इतना ब्रीफली एक्सप्लेन किया COVID-19 पॉजिटिव सिजेरियन सेक्शन को. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द होल टीम ऑफ डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड बीइंग अ चेयरपर्सन ऑफ द
फैकल्टी ऑफ ऑप्शन गायनी में आपको बहुत मुबारकबाद दूंगा इस चीज के हवाले से. एंड रियली हमारे फ्रंटलाइन सोल्जर जो है वो पूरी दुनिया में किसी से कम नहीं है, ये हमने डेफिनेटली इस चीज को जो है बताया भी है और आज हमने प्रूफ करके भी दिखा दिया माशाल्लाह से. तो फ्रॉम मतलब इतनी मुझे मतलब इस पर प्राउड मुझे महसूस हो रहा है कि एक जो लेबर रूम का क्लीनर है, स्टाफ है, उस तक को आप लोगों ने जो है वो एकदम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के साथ और इतने प्रोटोकॉल्स के साथ जो तय किया है. एंड आई एम सो ग्लैड के दाऊ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का जो ऑब्जर्व गायनी का डिपार्टमेंट है वो ओपीडीज को बिल्कुल प्रोटोकॉल जो आरसीयूजी के मेनली प्रोटोकॉल जो मैं पढ़ रहा था गाइडलाइंस वगैरह उन सबकी जो आरसीयूडब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशन है उस पर हम लोग ओपीडीज अपनी परफॉर्म कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम इट जिस तरीके से आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में उसको शिफ्ट करती हैं एक बजर के साथ के जी रास्ता क्लियर कर दिया जाए COVID-19 पेशेंट इज रिपोर्टिंग, सो ये एक बहुत अच्छा चीज है. अपार्ट फ्रॉम इट लास्ट में आपने जो डोनिंग एंड डोपिंग के बारे में बताया है कि जिस तरीके से आपने अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को जो है वो डिटेल किया है, सो रियली हैट्स ऑफ टू यू. और मुझे लगता है कि डेफिनेटली दूसरे पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस भी इसी तरीके से ही काम कर रहे होंगे और ये एक मिसाल बनेगी जो आपने करी है. तो थैंक यू सो मच मैडम वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ जेनिंग्स फार्मा, आपने जो है हमें इस हवाले से वक्त दिया और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इंशाल्लाह ताला ऐसी प्रेगनेंसीज आप जो है वो सक्सेसफुली ट्रीट करती रहेंगी और हम और आप मिलके जो है इसको इंशाल्लाह ताला खत्म करेंगे कोरोना वायरस.